कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत था जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचारने तो ये समझ गए, मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे और मुझे क्या जरूरत है जब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ सिराज। राम मंदिर को लेकर अब सियासत और भी ज्यादा तेज नजर आ रही है। पहले तो विपक्ष पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब शंकराचार्य ने ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कड़े शब्दों में पीएम मोदी की शंकराचार्य ने निंदा की है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद से अब सियासत पूरी तरीके से गरमाई नजर आ रही है। आपको राम मंदिर का आमंत्रण मिला? कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत था जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचारने तो ये समझ गए, मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे और मुझे क्या जरूरत है जब। आप 22 को जाएंगे अयोध्या? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे जनवरी? मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम पहले से बना हुआ है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। आगे भगवान। तो देखा आपने कि किस तरीके से वीडियो में शंकराचार्य पीएम मोदी पर लगातार वार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम कहां जाएंगे उद्घाटन समारोह के लिए। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक जो लोग आए थे उन्होंने काट दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने साथ एक व्यक्ति को ला सकते हैं। ऐसे में शंकराचार्य साफ तौर पर कहते हैं कि मैं उद्घाटन समारोह में क्यों जाऊंगा, पीएम मोदी मूर्ति को पकड़ेंगे, पीएम मोदी ही जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे में अगर हम जाएंगे तो पीएम मोदी फीके पड़ जाएंगे और पीएम मोदी कहां नजर आएंगे, और अगर पीएम मोदी नजर आएंगे तो हम कहां नजर आएंगे। कहीं ना कहीं शंकराचार्य अपनी नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार राम मंदिर को लेकर एक सियासत कर रही है, ये राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अमन सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या शंकराचार्य की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से ये पूरे का पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पूरी तरह से रूप ले चुका है, और इसको कोई दोराय नहीं है कि ये सिर्फ एक धर्म का मसला है, बल्कि ये राजनीति का अड्डा कहीं ना कहीं अखाड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से इसके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरह से अपने आप को सबसे आगे रखा है, सर्वोपरि रखा है, भले ही फैसला कोर्ट का आया हो, लेकिन बीजेपी ये साबित करने में लगी हुई है कि उसी ने ये लड़कर चुनाव जो ये कह सकते हैं कि ये जो मामला था ये जीता है, और तमाम जो खर्च है, तमाम जो तरीके से बनाया गया राम मंदिर को, वो सब उसी की देन है। इसीलिए उसने पूरे का पूरा जो इवेंट है वो कैप्चर करने का प्रयास किया है, और किया ही नहीं है प्रयास बल्कि कैप्चर कर लिया है। इसी बात को लेकर जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है सिराज। देखिए दो बातें समझ में आती हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अपने आप में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और देखिए दोनों को गड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म मेरा बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल मैटर है, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ बहुत मेरा बहुत निजी मामला है। लेकिन जो देश की बात आती है, जो सरकार की बात आती है, सत्ता की बात आती है, तो फिर मैं जो है देश के हिसाब से चीज़ों को चुनता हूँ कि मेरे देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह उन्नति हो सकती है, कौन जो पार्टी है देश को लेकर आगे बढ़ सकती है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं उनका चुनाव करता हूँ। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति रंग को चढ़ाया गया, वो अपने आप में बहुत चिंता का सबब भी है और हैरान करने वाली बात भी है कि आखिर ठीक है बीजेपी या तमाम जो दलों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, और तमाम बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो है राम मंदिर का जिक्र आया, लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से राम मंदिर बीजेपी का नहीं हो जाता है। देखिए बीजेपी ने लड़ाई लड़ी है, या जो और बीएचपी है, या और तमाम जो दल है उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि राम मंदिर पर उनका एकाधिकार हो गया है, बल्कि देखिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है, उसी के तहत चीज़ें होती हैं। और आज जबकि ये हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बीजेपी ही ने कराया है, बीजेपी के लिए ही ये हुआ है, बीजेपी जिसको अनुमति देगी वो मंदिर जाएगा, जिसको अनुमति नहीं देगी मंदिर में नहीं जाएगा। और यही बात जो उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव है, या और भी तमाम सारे जो नेता हैं,
यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात आपने बयान में गौर किया होगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो पीएम मोदी कहां नजर आएंगे और अगर जो है पीएम मोदी जाएंगे तो हम कहां नजर आएंगे। ऐसे में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का एक हिंदू समुदाय में, एक हिंदू धर्म में काफी बड़ा ओहदा होता है और ऐसे में जो है साफ तौर पर वो पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ। देखिए सिराज, मैं आपको समझाऊं कि जिस तरह से हम पूरे पूरे मामले को देख रहे हैं, ये बड़ा अलग तरह का पूरा मामला। देखिए धर्म, और मैं पहले भी कह रहा हूं कि धर्म और राजनीति को आपस में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। देखिए ये किसी एक धर्म विशेष का मामला नहीं है, देखिए अदालत में मामला गया और लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इसका सम्मान किया। इसको इस नजर से भी देखना चाहिए कि अब हमारा देश किस तरह से मजबूत होकर आगे बढ़ा है कि उसको मंदिर मस्जिद से फर्क नहीं पड़ता, कि जो भी अदालत तय करती है उसको मानता है। और उसको लेकर बीजेपी ये माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि जो कुछ हुआ है ये उसी की बदौलत हुआ, मेरे ख्याल से ये गलत है। और देखिए धर्म की आप बात कर रहे थे, मैं सोचता हूँ सिराज की धर्म गुरुओं का अपना अलग स्थान होता है। हर समुदाय में जो धर्म गुरु होते हैं उनका धर्म को करने का, धर्म को चलाने का, धर्म के बारे में बताने का प्रोसेस होता है। उसमें जो सियासतदार लोग हैं, सियासी जो लोग हैं, वो अपनी दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे आपने जिस बात का जिक्र किया उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जहाँ जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि जब हम खड़े होंगे तो मोदी जी का जो है एक तरीके से, क्योंकि वो धर्म का मामला है, वहां पर जो सबसे बड़ा ओहदा है वो धर्म गुरुओं को होता है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। और वहां पर जो राजनीति के लोग हैं, सियासतदार जो लोग हैं, वो भी उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब संसद का उद्घाटन हुआ था उस समय राष्ट्रपति को लेकर काफी ज्यादा सवाल पूछे गए थे, ओम बिरला जो कि कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल पूछे गए थे, क्योंकि एक लोकसभा अध्यक्ष के रहते हुए पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन समारोह किया और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को उसमें नहीं बुलाया गया। और फिर अब बीजेपी को पीएम मोदी पर जो है लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है राम मंदिर को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है ये? देखिए बिल्कुल, और धर्म का मामला, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि धर्म का मामला हमारे देश में बड़ा ताकतवर है, मजबूत है, लोग इमोशन में बहते हैं और यही बात बीजेपी को पता है, नब्ज उसको पता है। आपको अगर थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलूं तो 1984 में बीजेपी ने पहली बार जनसंघ से अलग होकर जब बीजेपी बनी चुनाव लड़ा और उसमें उसको 2 सीटें आई हैं। उसी के बाद जैसे उसको राम मंदिर का मुद्दा मिलता है, 87 में दरवाजे खोले जाते हैं, राजीव गांधी जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 89 में बीजेपी के पास 85 सीट आती हैं। अब देखिए उसके बाद फिर रथ यात्रा शुरू होती है 89 से और ये 91-92 में चुनाव होता है, 91 में उस समय बीजेपी के पास 120-125 सीट आ जाती हैं। तो धर्म का मैजिक आप देखिए कि कैसे लोग इमोशन में बहते हैं, किस तरह से लोग इमोशन में जाकर जो वोट करते हुए नजर आते हैं। और यही बात बीजेपी बखूबी पहचानती है क्योंकि लगातार राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को मजबूत किया है। और बीते दोनों चुनाव की बात करें, चाहे 14 की या 19 की, दोनों ही बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपने राम मंदिर का जिक्र जरूर देखा होगा। और अब जबकि चूंकि वो बन गए, एक तरफ जब शंकराचार्य ने कहा कि जो है हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी कहां नजर आएंगे, इस पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जब जो है किस तरीके से अडवाणी जी को उद्घाटन समारोह में लाने की बात चल रही थी तो चंपत राय जो महासचिव है राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने उन्हें मना कर दिया है उनको आने से, ताकि जो है वो काफी ज्यादा बुजुर्ग है, उनको आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी है, जिन्होंने राम मंदिर जो आंदोलन था उसमें काफी ज्यादा भूमिका अदा की थी। ऐसे में बीजेपी पर सवाल उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है, क्या मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जैसे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी थी, जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उनको नहीं बुलाया जा सकता? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है किसी भी तरह से उनको वहां पर पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपने सही कहा कि मुरली मनोहर जोशी और खासकर एल के अडवाणी का जिक्र यहां पर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एल के अडवाणी ही वो नेता थे जिन्होंने एक पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी है, बीजेपी को पूरा खड़ा किया है राम मंदिर के बेस पे, कहीं ना कहीं बाबरी और तमाम जो चीज़ें थी उसके बेस पे कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को एक बहुत मजबूत तरह से स्टैंड किया। और उनको इस समारोह में नहीं बुलाया जाना वाकई कहीं ना कहीं अधूरी सी बात रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी मेरे ख्याल से वैसी लड़ाई कोई भी बीजेपी में नहीं लड़ पाया, और जिस तरह से आखिरी मकाम तक वो खड़े रहे अपने आप मिसाल है। और यही वजह है कि बार-बार लोग कह रहे हैं कि अडवाणी जी को इस समारोह में किसी भी तरह से, चाहे उनको एयरलिफ्ट के जरिए लाया जाता है, किस तरह से उनको एयरबेस के जरिए वहाँ पर कह सकते हैं प्लेन के जरिए वहाँ पर लेकर आया जाता है, लेकिन किसी तरह से वहाँ पर लेकर आया जाना चाहिए ताकि उनको जो है जो उनकी लड़ाई थी, जो उनका पूरी जंग थी इस 25-30-40 सालों में, वो कम से कम उनको उनके सामने होती तो उनको बेहतर लगता। लेकिन पता नहीं स्वास्थ्य कारणों से बताया जा रहा है कि वो शायद वहाँ पर नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर पूरे के पूरे माहौल को हम देखें सिराज, तो नज़र ये आता है कि बीजेपी ने जो धार्मिक कार्यक्रम है इसको न सिर्फ धार्मिक रहने दिया बल्कि इसको पूरी तरह से सियासी रंग में
रंग दिया है और उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि जनवरी 22 में ये उद्घाटन है सिराज और 2 से 3 महीने के बाद पूरा इलेक्शन का माहौल बन जाएगा उस समय बीजेपी को इसका सबसे बड़ा फायदा नजर आएगा। और यही बात है कि लगातार जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि 2024 आम चुनाव का अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा बीजेपी के लिए तो सीधे तौर पर वो राम मंदिर होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम मंदिर लोकसभा चुनाव के नजरिए से एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। खासतौर पे बात करें तो जिस तरीके से अब शंकराचार्य ने पीएम मोदी को घेरा है उद्घाटन समारोह को लेकर, कहीं ना कहीं अब इससे आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बदलाव, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास है उसको लेकर बीजेपी लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।